नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग में आपका दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं बीन्स उगाने का बहुत सरल और घरेलू तरीका। छत पर आप आसानी से अपने घर पर बीन्स उगा सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे, यह हमारी 20 लीटर की बाल्टी है और बाल्टी में सुराख करने के बाद दोस्तों हम इसमें गमले का या तो पत्थर का या तो ईंट का टुकड़ा कुछ भी रख सकते हैं। ईंट गमले का टुकड़ा रखने के बाद दोस्तों हम इसमें मिट्टी भरना चालू करते हैं। मिट्टी दोस्तों भरने से पहले उसे अच्छे तरीके से मिला लें, क्योंकि बारीक मिट्टी ही बाल्टी में होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की मात्रा ज़्यादा है नहीं। अगर रोड़ा वोड़ा होगा तो हमारे पौधा ग्रो करने में दिक्कत करेगा, इसलिए दोस्तों मिट्टी को अच्छे तरीके से मिलाकर तभी बाल्टी में भरें। आप देख रहे होंगे मिट्टी बाल्टी में भरा जा रहा है और मिट्टी की क्वालिटी भी हमारी अच्छी है। लगभग दोस्तों सभी बाल्टियों में मिट्टी हमारी भरी जा चुकी है। मिट्टी लगभग बाल्टी से 2 इंची कम होना चाहिए, पूरा फुल नहीं भरना है। भरने के बाद इसमें हम सीड लगाना चालू करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख रहे होंगे आप, हर बाल्टी में 4 सुराख किए गए हैं। चारों सुराख में बीज डाला जा रहा है। बीज दोस्तों चारों सुराख में डाला जाएगा, लेकिन पौधा तैयार होने के बाद इन पौधों में से 3 से 2 पौधे रखे जाएंगे, बाकी 1-2 पौधा उखाड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार हर बाल्टी में हमें 4 सीड लगानी है। हर बाल्टी में दोस्तों इसी प्रकार लगभग आप 45 दिन बाद कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा। जैसा कि देख रहे होंगे आप, यह 45 दिन का पौधा ऐसा होगा। यह देखिए 45 दिन के पौधे पे दोस्तों हमारा फ्लावरिंग अच्छी तरीके से आने लगा है और फ्रूटिंग भी आना चालू हो चुका है। और देखिए पौधा भी कितनी अच्छी तरीके से ग्रो किया हुआ है। लगभग 60 से 65 दिन में आपको हार्वेस्ट करने लायक बीन्स तैयार मिलेगा। यह देखिए हमारा बीन्स का हल्का हल्का फली भी आने लगा है, छोटी छोटी फलियां भी आने लगी हैं और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे तरीके से हुआ है और पौधा भी खूब ग्रो किया हुआ है। पेंट की बाल्टी दोस्तों आपको किसी भी कबाड़े वाले दुकान से मिल जाती है, या तो घर में कोई पेंट की बाल्टी की हुई हो तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल ऑर्गेनिक बिल्डिंग फार्मिंग पे आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।